बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, मेरी प्यारी बेटियों। आज मैं आलू पालक की मज़ेदार सी सब्ज़ी आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बनके बहुत मज़े की बनेगी। इसके अंदर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपने देखने हैं। इसके लिए मैंने पालक ली है और जिसे मैंने कट कर की कर लिया और इसे अच्छी तरह किसी गहरे बर्तन में डालकर मैंने वॉश कर लिया है। इसके लिए मैंने आलू लिए हैं, प्याज, अदरक, लहसुन एक टीस्पून, मैंने टमाटर की पेस्ट ली है और मेथी दाना लिया है, कसूरी मेथी ली है, दूध, ऑयल और आम मसाले जो घर के होते हैं, हल्दी, धनिया, नमक और लाल मिर्च। इसके अलावा थोड़ा सा मैं गरम मसाला भी इसके अंदर शामिल करूंगी। इसके लिए मैंने एक पतीले में पानी रखा है उबलने के लिए और इसके अंदर ये पालक डाल दूँगी। इसे सिर्फ एक उबाला आएगा और मैं इसका पानी ड्रेन कर लूँगी। मज़ेदार आलू पालक बनाने के लिए मैंने पालक को उबलने के लिए रखा था। ये देखें, एक उबाला बस आएगा, मैं इसे उतार कर छान लूँगी। आलू पालक की सब्ज़ी बनाने के लिए मैं कच्ची हांडी का इस्तेमाल करूँगी। इसके अंदर सबसे पहले मैं ऑयल डालूँगी, तकरीबन आधा कप, क्योंकि पालक के अंदर घी या ऑयल ज़्यादा ही जाता है। और इसके अंदर ये मैं आधा मेथी दाना इधर डाल दूँगी। मेथी दाना थोड़ा सा कड़कड़ाएगा और मैं इसके अंदर ये पालक डाल दूँगी, जो कि मैंने इसे एक पानी से उबाल लिया था, एक उबाला आया था और मैंने इसका पानी ड्रेन कर दिया है, पानी को मैंने फेंक दिया। अब मैं इसे अच्छी तरह भूनूंगी। पालक को भूनते हुए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं और 10 मिनट और लगेंगे, जब तक इसका पानी अच्छी तरह खुशक नहीं होता और ये भुनाई की तरफ नहीं आ जाता, इसके अंदर से ऑयल भी रिलीज़ होना चाहिए। इस तरह पकाने से बहुत मज़े की बनती है। इसी तरह मैं इसे भूनूंगी और फिर इसकी आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी। ये देखें, अच्छी तरह ये भूनकर तैयार हो गई है हमारी पालक और इसमें से ऑयल भी रिलीज़ हो गया है। देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, इसका सारा पानी हमने खुशक कर देना है। इसका एक तो ये भी फ़ायदा है कि हमें ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है, इसी के अंदर ये अच्छी तरह मैश हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैशी भी अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल बारीक हो जाए, हल्की सी दलदली सी होनी चाहिए, वैसी ये बन जाती है इस तरह भूनने से, और इसका टेस्ट भी अच्छा निकल के आता है। अब मैं इसे किसी बाउल में निकाल लूँगी। अब मैं इसके मसाले की तैयारी करूँगी। जो मैंने थोड़ा सा मेथी दाना डाला था वो डालूँगी इसके अंदर और थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी, थोड़ा सा इसके अंदर मौजूद है और थोड़ा सा मैं इसके अंदर और डाल दूँगी। और प्याज को मैंने बारीक चॉप कर लिया है, ये देखिए मैंने स्लाइस में दिखाया था, ये मैंने हैंड चॉपर से इसे बारीक चॉप कर लिया ताकि ये जल्दी से हमारी आलू पालक की सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाए। अब मैं इसके अंदर इसे प्याज को हल्का सा सुनहरा होने तक फ्राई करूँगी। ये देखिए, प्याज को मैंने हल्का सा सुनहरा किया है, ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना, ना ही इसे ब्राउन करना है। इसके अंदर अदरक लहसुन की पेस्ट चली गई, जो कि एक एक टीस्पून भर के है। अब मैं इसे हल्का सा पकाऊंगी। अदरक और लहसुन की पेस्ट भून चुकी है, अब मैं इसके अंदर हल्दी पाउडर डालूंगी आधा टीस्पून, मिर्चें 2 टेस्ट डालूंगी इसके अंदर, थोड़ी सी मैं सब्ज़ मिर्च भी डालूंगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट होता है। नमक भी 2 टेस्ट चला जाएगा इसके अंदर, नमक ज़रा कम डालना चाहिए क्योंकि बाद में चख के भी डल सकता है। इस तरह पालक थोड़ी सी नमकीन होती है। और धनिया पाउडर चला जाएगा 1 टीस्पून। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालूंगी। बस मैंने तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून इसके अंदर पानी डाला है और मसाले को मैं भूनूंगी। इसके अंदर टमाटर की पेस्ट चली गई, जो कि 1 टीस्पून है,
ये एक बड़े टमाटर से इतनी पेस्ट तैयार होती है। ये देखिए हमारा कितना अच्छा मसाला बनकर तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर आलू डाल दूंगी और साथ ही एक सब्ज़ मिर्च डाल दूंगी। सब्ज़ मिर्च से इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, बेशक आप पीसी भी डालें या कटी भी डालें, दोनों ही हम इसके अंदर डाल सकते हैं। आलू को तकरीबन 3 से 4 मिनट मैं इसे भूनूंगी। ये देखें आलू को मैंने अच्छी तरह भूना है, कितना इसका अच्छा कलर है। अब मैं इसके अंदर ये पालक डाल दूंगी जो कि मैंने फ्राई की हुई है। इसे उबाल कर एक उबाला जब आ जाए पालक को तो इसका पानी गिरा दें, क्योंकि इसके अंदर बहुत कसालेपन होता है और ये मैदा ज़्यादा हज़म नहीं करता, क्योंकि इतने मैदे हमारे स्ट्रॉन्ग नहीं है कि इतनी हैवी चीज़ों को ये हज़म करें। अब इसके अंदर ये मैं 1 कप दूध डाल दूँगी, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा, इसे इस तरह लगेगा जिस तरह हम पनीर पालक खा रहे हैं। अब थोड़ा सा मैं इसके अंदर पानी भी डाल दूँगी, तकरीबन 1/2 कप, ताकि ये हमारी पालक नीचे ना लगे। और इसे मैंने तब तक पकाना है जब तक आलू गल जाएंगे और ये पालक का पानी अच्छी तरह खुशक हो जाएगा। मज़ेदार आलू पालक बनाने के लिए इसे मैंने हल्की आंच पर पकने रख दिया था, जितनी भी हल्की आंच पे आप रख सकती हैं तो रखें, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा बनेगा और ये बहुत अच्छी पककर जायकेदार तैयार होगी, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने 1 कप दूध और 1/2 कप पानी डाला था उसी के अंदर ये आलू भी गलेंगे और ये पालक भी पकती रहेगी, जिसका इसका जायका बहुत बढ़ जाएगा। और इसे मज़ीद टेस्ट देने के लिए मैं इसके अंदर कसूरी मेथी डालूँगी। अब मैं इसे मिक्स करूँगी। इसे मैंने चूल्हे से नीचे उतार लिया, ये देखें कितनी अच्छी और खुश रंग बनकर तैयार हुई और अभी तक ये पक रही है, क्योंकि जो मिट्टी की हांडी होती है इसके अंदर कुकिंग काफ़ी देर तक जारी रहती है, क्योंकि ये देर से ही गर्म होती है और देर तक ही गर्म रहती है। उम्मीद है आपको ये मज़ेदार सी आलू पालक की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी भी आपको ये दिखने में अच्छी लग रही है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।